बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 7 नवंबर से हज 2021 के लिए फॉर्म दाखिल करने के अमल का होगा आगाज, इस साल भी ऑनलाइन ही करनी होगी दरखास्त। रेवंत रेड्डी ने मलकाजगिरी म्यूनिसिपल जोनल ऑफिस के रूबरू दिया धरना, हकीकी मुतासरीन में फी कस 10,000 रुपए की इमदाद तकसीम करने का किया मुतालबा। पार्लियामेंट में मंजूरशुदा फार्म बिलों को मंसूख करने तेलंगाना कांग्रेस की दस्तखती मुहिम जारी, पूनम प्रभाकर ने कहा फार्म बिलों की वजह से किसानों के मजदूर बनने का है खतरा। याखुदपुरा रुकन असेंबली पाशा खादरी ने अपने हलके के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा, बारिश और सैलाब मुतासरीन में की फी कस 10,000 रुपए की तकसीम। धान और मकई की खरीदारी के लिए जगतियाल में कायम किया गया कॉल सेंटर, जिला कलेक्टर जी रवि ने किया कॉल सेंटर का इफ्तिताह। टीएस लॉसेट और पीजीएल सेट 2020 के नतीजे का ऐलान, तेलंगाना स्टेट हायर एजुकेशन के चेयरमैन पापी रेड्डी ने जारी किया नतीजे। और अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में 7 नवंबर से हज बैतुल्ला 2021 के लिए फॉर्म दाखिल करने के अमल का आगाज होगा, इसी दिन हज सीजन का भी ऐलान किया जाएगा। इस साल भी आजमीन हज को ऑनलाइन ही दरख्वास्त दाखिल करनी होगी। 12 दिसंबर तक दरख्वास्त फॉर्म कबूल किए जाएंगे। जनवरी में आजमीन के इंतखाब के लिए खुरा अंदाजी की जाएगी। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मौजूदा मौसमी तब्दीलियों के अलावा कोविड-19 की दूसरी लहर के शुरू होने से मुतालिक आवाम को जरीन मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दीपावली त्यौहार और क्रिसमस के दौरान समाजी फासला और दीगर एहतियाती उमूर पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए ताकि मोहलिक कोरोना वायरस से अपने आप को महफूज रखा जा सके। दशहरा के टाइम में बिकॉज काफ़ी लोग मिलजुल थे वो टाइम में, जहाँ केसेस बढ़ने का चांस रहता बोल के सभी लोगों को भी हम बोले कि थोड़ा केयरफुल रहना, मास्क पहनना और दूरी रखना और साफ सुथरा रख लेना, ये पूरे भी हम बोले सो है। और अपने लोग पब्लिक भी काफ़ी उसका पालन करने से आज उसका इफेक्ट दिख रहा कि ज़्यादा केसेस नहीं है। मगर यही आप केरला, दिल्ली, अभी लास्ट फ्यू डेज से वेस्ट बंगाल में काफ़ी केसेस सर्ज है और उसमें काफ़ी बढ़ रहे हैं। वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर ये जो 3 मसले हैं जो अपन केयर लेने का है वो शायद उतना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं करे होंगे, उसके वजह से केसेस बढ़ रहे। क्योंकि एक चीज़ अपन याद रखना कि इस पर्टिकुलर वायरस का स्प्रेड होना मेन रीज़न क्या है, लोग करीब आना, एक के पास से एक को स्प्रेड होना, वही उसका मेन मोड ऑफ स्प्रेड है। तो जब अपन ये कट कर सकते ताकि आप मास्क पहन लीजिए और जब भी हुआ हाथ साफ कर लीजिए पानी से या नहीं तो सैनिटाइजर से और दूरी मेंटेन करें तो ये नहीं होता। मगर जो अपन दूसरे स्टेट्स में देख रहे अभी क्या है, ये पूरे 3 महीने में पूरे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स है। अभी तो दसरा हो गया, अब नेक्स्ट दिवाली है, दिवाली के बाद आपको न्यू ईयर आता, क्रिसमस आता। सो हर ये मौके पे लोग मिलजुल के एक जगह पे आने का चांस रहता। तो सभी पब्लिक से हमारा एक ही गुजारिश है कि आज तक जो आप करते आए उससे अपन अच्छा रिजल्ट देख रहे। पूरा भारत देश में भी दूसरे स्टेट से कंपेयर करें तो तेलंगाना काफ़ी अच्छा पोजीशन में है। और यही ऐसी कर अपन केयर लेते गए तो अगले 2-3 महीने में भी अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता।
कांग्रेस लीडर व मल्काजगिरी रोकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज मल्काजगिरी म्यूनिसिपल जोनल ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए बारिश व सैलाब के हकीकी मुतासरीन में फीकस 10,000 रुपये की इमदाद तकसीम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने जोनल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए इमदादी रकम की तकसीम के बारे में दरियाफ्त किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जोनल कमिश्नर को पीर तक हकीकी मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने को कहा गया है। बसूरत दीगर जोनल ऑफिस के रूबरू मल्काजगिरी हलके के 6 बल्दी जोन से 6,000 मुतासरीन के साथ धरना देने की वार्निंग दी है। ना मल्काजगिरी पार्लियामेंट नियोजकवर्गम लो मल्काजगिरी जोनल कमिश्नर किंदा मल्काजगिरी असेंबली लो उन्ना 6 डिविजन लो 6 कॉर्पोरेटर ला प्रांत मुस्तरी इपड़ की प्रभुत्वम 19 कोटल चिल्लर 20 कोटल चिल्लर मंजूर चेसनम 16 कोटल पैचिल्कु पंचनम इप्पुडु पंचतम अंटुरु सोमवारं वरकु समयम इच्चिनम ई प्रभुत्वानिकि సోమవారం లోపల నిజమైన లబ్ధిదారులకు అందరికీ 10,000 రూపాయల నష్టపరిహారం ఇంటింటికి తిరిగి ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ప్రజల తరపున ప్రశ్నించే గొంతుగా నేనుంటా. సోమవారం లోపల నష్టపోయిన వాళ్ళందరికీ అందించకపోతే సోమవారం తర్వాత అవసరం అనుకుంటే బస్తీ నుంచి 1,000 మందిని 6 డివిజన్లలో నుంచి 6,000 మందిని తీసుకొని వచ్చి ఇదే జోనల్ కమిషన్ ఆఫర్ ని సోమవారం తర్వాత ముట్టడి చేసి అప్పుడు ప్రభుత్వం సంగతి అంతుదేలుస్తాం. ఇవన్నీ ఇక్కడ వరదల మునిగిపోయిన వాళ్ళు బాధపడుతుంటే తలమాసిన సన్నాసి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కేటీఆర్ అంట అభినవ అంబేద్కర్ అంట లేకపోతే జ్యోతిరావు పూలేనంట ఎంత సిగ్గు తప్పిపోయింది శ్రీనివాస్ యాదవ్ అంటే గతంలో బానే ఉండే ఏ మాయరోగం వచ్చిందో కేటీఆర్ ను తీసుకొచ్చి అంబేద్కర్ తోని జ్యోతిరావు పూలేతోని పోలుస్తున్నావు అంటే ఈ గులాం బతికి ఎందుకయ్యా నీకు గులాంగిరి ఎందుకంటే శ్రీనివాస్ యాదవ్ అడుగుతున్నా. देवादोला प्रोजेक्ट के मुतालिक आला सतही जायजा इजलास आज ज़िले वरंगल के हरिता होटल में मुनाक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्की एरावली दयाकर राव, वज़ीर बराए ख़वातीन व बच्चों और कबाइली बहबूद सत्यवती राठौड़, मौकमे आपाशी के चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार के अलावा दीगर क़ायदीन व अहदेदारान ने शिरकत करते हुए तबादले ख्याल किया। ఆ లక్ష్యం చేరవేసే దిశగా ప్రయాణిస్తున్న ఈ క్రమంలో ఇంకా ఉన్న ఇబ్బందులు ఏమి ఒకసారి మీరు ఒక సమీక్ష చేసుకొని ముందుకొస్తే బాగుంటుందని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు ఈరోజు మనం ఈ సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. ఈరోజు మీరు కాకపోతే మరో రోజు పెట్టుకుని విజిట్ చేసి ఇంకా పూర్తి నివేదిక మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇస్తే వాళ్ళందరం మన బయట కూర్చొని ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర पार्लियामेंट में मंजूर शुदा फार्म बिलों को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना कांग्रेस ने आज जुमे को भी रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर अपनी दस्तखती मुहिम जारी रखी। कांग्रेस लीडर व साबिक रोकने पार्लियामेंट पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि मोदी सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर को फरोख देने के लिए नए बिल मुतारिफ करवाए हैं। मरकज की जानिब से लाए गए बिलों की वजह से किसानों के मजदूर बनने का खतरा है। पोन्नम प्रभाकर ने तेलंगाना के रियासत के किसानों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ज़राअत के खसूसी बिल लाएँ और किसानों की फलाह व बहबूद की हिफाजत के लिए खिदमात अंजाम दें। पूनम प्रभाकर ने रियासती हुकूमत से धान को कम अज़ कम 2,500 रुपये की कीमत पर ख़रीदने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मरकजी और रियासती हुकूमतों की किसान मुखालिफ पॉलिसियों को आवाम के दरमियान पहुँचाएगी। उन्होंने किसानों को मुल्क की दीगर रियासतों में किसानों की जानिब से हो रहे एहतजाज को देखते हुए किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की अपील की। साथ ही कांग्रेस की जानिब से चलाई जा रही इस दस्तखती मुहिम में भी किसानों से उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। केंद्र प्रभुत्वम इटीवल व्यवसाय बिल्ल संदर्भंग राहुल गांधी गारु चेप्पारु ई बिल्लुलकु रैतुलकु उरितालु अयितायि रैतुलु बिल्लु तेच्चेटप्पुडु एमएसपी धर अनेटुवंटि ओक बेंच मार्क उंचमनि चेप्ते निर्बंधंगा प्रभुत्वम ई बिल्लु तेच्चिंदि दानि व्यतिरेकिस्तू ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా సంతకాల సేకరణ జరుగుతోంది. అందులో భాగంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రైతులను కోరుతా ఉన్నాం,
గతంలో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఫోన్ ఏ విధంగా ఉంటేనే ఇప్పుడు జియో ఫోన్ ఎట్లా వచ్చిందో, ఇగో రేపు పొద్దున కూడా మనం చిన్న చిన్న సన్నకారు రైతుల దగ్గర నుంచి మొత్తం కార్పొరేట్ ఫార్మింగ్ పేరు మీద ఆదాని అంబానీలు కప్పేపేటువంటి ఒక కుట్ర జరుగుతోంది. కాబట్టి రైతులు దీన్ని దయచేసి గమనించండి. దేశంలో చైతన్యవంతమైన రైతులున్న పంజాబ్ హర్యానాలలో ఏ విధంగా అలరి జరుగుతుందో గమనించి ఈ సంతకాల సేకరణ లోపల ప్రతి రైతు భాగస్వామికమని కోరుతూ ఈ బిల్లును ఉపసంహరించుకోమని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మరొకసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మక్కజొన్న వేసుకోకండి, సన్నధాన్యం వరేయండి, పత్తి వేయమని చెప్పినారు. ఇలా సన్నధాన్యం మార్కెట్లోకి వస్తూ ఉంటుంటే అది కూడా దొడ్డు వరకు దానితో సమానమైన ధర చెప్తా ఉన్నాడు. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన 2500 క్వింటల్ తోడు కొనాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. साबिक वज़ीर दाखिला अंजहानी नाइनी नरसिम्हारेड्डी और उनकी अहलिया के देहांत के 12 दिन गुजर जाने के मौके पर एक शोक सभा का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल के अलावा शहर की मौजिस हस्तियों और दीगर ने शिरकत करते हुए खराज पेश किया। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर इलाके में 27 शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के मंजूर शुदा चेक्स मुतालिका उम्मीदवारों में तकसीम किए। वाज़ह रहे कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक उम्मीदवारों में ये चेक्स की तकसीम का सिलसिला हनूज जारी है। इस तकरीब में मुतालिका कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन निरंजन ने रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव को अपनी तनखीद का निशाना बनाया। तलसानी श्रीनिवास यादव साहब कमेंट करते हुए कांग्रेस वालों को सिर्फ इलेक्शंस के वक्त बीसीसी याद आते हो बोल के बताए, और उन्होंने असल इन लोगों को ने कांग्रेस वालों को कैंडिडेट्स मिलते क्या बोल के भी उन्होंने एक मस्करापन से बात कर रहे। मैं तलसानी यादव साहब को हिदायत देता हूं कि आप अपने आप कंट्रोल में रखकर बात करिए। दिमाग में दिमाग सर पर सर में दिमाग रखकर बात करिए, असलियत को भूलकर मत बात करिए। आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप हमारे को ये बात बताइए, गुरिस्ता इलेक्शंस में 2016 जीएचएमसी इलेक्शंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये एडवाइस था जो भी इलेक्शंस में रिजर्वेशंस करते तो वो 50% के बढ़कर रिजर्वेशन नहीं करना, उसके अंदर रिजर्वेशन करने की बात उन्होंने करी, सुप्रीम कोर्ट हिदायत दिया। मगर आप लास्ट टाइम ने कितना रिजर्वेशंस प्रोवाइड करे, टोटल 41% रिजर्वेशन ही प्रोवाइड करेगा। अब याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने सईदाबाद एमआरओ दफ्तर में कल्याणा लक्ष्मी के मंजूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने 30 मुतालिका उम्मीदवारों में ये चेक्स तकसीम किए। इस दौरान मुतालिका अहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के सैफाबाद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शरीक होने वाले माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर कोपुला ईश्वर हादसाती तौर पर एक लिफ्ट में फंस गए। सैफाबाद में रिजर्व बैंक ऑफिस के सामने वाक़े सम्राट अपार्टमेंट्स में नए ऑफिस के इफ्तिताह के प्रोग्राम में वज़ीर मौसूफ ने शिरकत की। तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के वक्त लिफ्ट अचानक उस वक्त रुक गई जब वज़ीर ईश्वर और दीगर अफराद तीसरी मंजिल से नीचे आ रहे थे। इसके साथ ही वज़ीर और दूसरे लिफ्ट में फंस गए। उन्हें लिफ्ट से बाहिफाजत बाहर निकालने में तकरीबन 30 मिनट लग गए। अमले ने बताया कि लिफ्ट में तकनीकी खराबी पैदा होने के बायस ये वाक़या पेश आया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।